जोहार, मैं गीता कृषि दर्शन के इस अंक में आप सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करती हूं। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूं आपके लिए कुछ नई नई जानकारियां लेकर। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुश्री। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। उद्यमिता विकास योजना के अंतर्गत किया जाता है डेयरी व्यवसाय का विकास। एजोला है हरे चारे का बेहतर विकल्प। लाल छुड़ाने के लिए उत्तम यंत्र है दावली। राज्य में केंद्र द्वारा चलाई जा रही उद्यमिता विकास योजना के अंतर्गत डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए राज्य के ग्रामीणों को कई प्रकार के सहयोग पहुंचाए जा रहे हैं। केंद्र प्रायोजित उद्यमिता विकास योजना के तहत हमारे झारखंड राज्य में दुग्ध उत्पादन व्यवसाय के विकास के लिए स्वयं सहायता समूह के सदस्य, दूध सहकारी समितियाँ, दूध संघ और प्रगतिशील किसानों को सहयोग दिया जा रहा है। नाबार्ड के द्वारा राष्ट्रीय व्यवसायिक बैंकों के माध्यम से इस योजना का क्रियान्वयन किया जाता है। इनसे जुड़े सदस्य इस योजना का लाभ लेने के लिए गव्य विकास पदाधिकारी और नाबार्ड के जिला प्रबंधक से संपर्क कर सकते हैं। पशुओं के लिए हरा चारा एक संपूर्ण पोषक आहार माना जाता है, परंतु ज्यादातर समय में हरा चारा उपलब्ध नहीं हो पाता। ऐसे में एजोला हरे चारे के विकल्प के रूप में पशुओं को दिया जा सकता है। एजोला में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन के साथ अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो पशुओं को हरे चारे जितना पोषण देने में सक्षम है। हरे चारे की कमी को देखते हुए पशुपालकों को सलाह दी जाती है कि एजोला अपने फॉर्म में उगा कर उसे 1 से 2 केजी तक खिला के, और इसमें जो कि 15 से 20% तक प्रोटीन्स पाई जाती है, तो आप प्रोटीन्स की कमी को पूरा कर सकते हैं। एजोला जरूर खिलावें। किसान भाइयों, आज हम वैज्ञानिक कृषि तकनीकों और उन्नत प्रभेदों के जरिए फूल गोभी की फसल वर्ष भर ले सकते हैं। अक्टूबर महीने में और नवंबर महीने में फूल गोभी की पिछात फसल ली जा सकती है। पिछात फसल लेने के लिए फूल गोभी के उन्नत प्रभेद हैं पूसा स्नोबॉल, माघी, डानिया और श्वेता। पूसा स्नोबॉल, माघी, डानिया और श्वेता, ये चारों नाम है फूल गोभी के उन्नत प्रभेदों के। ये प्रभेद फूल गोभी की पिछात फसल लेने के लिए अच्छी मानी जाती है। अक्टूबर से नवंबर माह तक बीज गिराकर बिचड़ा तैयार कर लिया जाता है और नवंबर से दिसंबर तक इन बिचड़ों की रोपाई कर दी जाती है। इन प्रभेदों की 500 से 600 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुवाई कर और उचित कृषि कार्यों को करके लगभग 250 से 300 क्विंटल फूल गोभी प्राप्त की जा सकती है। इस समय कम सिंचाई या कई कारणों से बोई गई दलहनी फसलों में पत्र लपेटक कीट के लगने की संभावना बढ़ जाती है। यदि पत्र लपेटक कीट का प्रकोप फसल पर हो जाए तो उसका नियंत्रण कैसे करें और दवा के इस्तेमाल में क्या सावधानी बरतें, बता रहे हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ। पत्ती को लपेटने वाला कीड़ा जो मरुका कहा जाता है, उसका प्रकोप प्रारंभ हो गया है। उसका प्रकोप से बचाने के लिए किसान भाइयों को मैं सलाह दूंगा कि वो किसी भी जैविक कीटनाशक जैसे कि नीम ऑयल, नीम का तेल का लें और 5 ml प्रति लीटर का घोल बनाकर उसका छिड़काव करें। प्रति कट्ठा कम से कम 30 से 40 लीटर पानी लगाएं और बरसात के मौसम में किसी भी कीटनाशक का छिड़काव करने से आवश्यक है कि उसको धुलने से बचाएं। तो धुलने से बचाने के लिए मैं किसान भाइयों को सुझाव दूंगा कि किसी भी कीटनाशक या कवकनाशी का छिड़काव करने से पहले उसमें साबुन या शैम्पू की 2 बूंद प्रत्येक टंकी में जरूर मिला लें, जिससे कि घोल को पौधे से चिपकने में आसानी रहे। और पहला छिड़काव नीम के करने के बाद अरहर में जो है आप दूसरा छिड़काव कुनाल फास या क्लोरोपायरीफास का करें, जिससे कि जो फूल आता है, फूल के लगने वाले कीड़े हैं, उनको बचाने में सुविधा मिले। दावली एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से ला लगी टहनियों से ला को आसानी से छुड़ाया जा सकता है और यह उपकरण ला को बर्बाद भी नहीं होने देता। इस छोटे से उपकरण का नाम है दावली। लाह लगी टहनियों से लाह छुड़ाने के लिए इसका निर्माण किया गया है। हाथों से या पारंपरिक औजारों से लाह छुड़ाने में समय और मेहनत दोनों ज्यादा लगते हैं। इस दावली नामक उपकरण की सहायता से एक दिन में लगभग 8 किलो लाह टहनियों से छुड़ाया जा सकता है।
कृषि समाचार में अब बारी है कृषि जगत के एक सफल व्यक्तित्व से मिलने की, तो आइए मिलते हैं सफल किसान से। हम जो है अभी वर्तमान सब्जी का खेती करते हैं। हमारा जो है कि अभी सब्जी से जो है खेती से जो है कि अच्छा पैसा आता है, तो उसमें से जो है कि हमारा परिवार बढ़िया भर पोसा चल रहा है। हम जो है कि अभी ग्रेजुएशन तो कर किए हुए हैं, लेकिन जो है कि नौकरी तरफ उतना हम ध्यान नहीं दिए, क्योंकि हमारे घर में जो है कि खेती लायक बहुत सारी ज़मीन है, तो क्यों सोचे कि बाहर क्यों जाएंगे, हम जो है कि यहीं पर अपना रोजगार करके जो है कि अपना जीवन यापन करेंगे। और अब एक नज़र राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। कोडरमा अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज राज्य की मंडियों में अनाज पूर्व सप्ताह के मूल्यों पर टिकी नजर आई। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले समय में कुछ अनाजों के भाव में आंशिक वृद्धि संभव है। उधर सब्जी मंडियों में हरी सब्जियां महंगी बिकी। टमाटर के मूल्यों में आंशिक रूप से गिरावट आई है। आज गोड्डा मंडी में बिके कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पर नजर डालें तो इस प्रकार रही। चावल मोटा न्यूनतम 2000 रुपए से लेकर अधिकतम 2400 रुपए। चावल मध्यम न्यूनतम 2600 रुपए से लेकर अधिकतम 3000 रुपए। गेहूँ न्यूनतम 1500 रुपए से लेकर अधिकतम 1700 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 11800 रुपए से लेकर अधिकतम 13800 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 8410 रुपए से लेकर अधिकतम 8875 रुपए। दाल चना न्यूनतम 5600 रुपए से लेकर अधिकतम 6700 रुपए। सरसों तेल न्यूनतम 9700 रुपए से लेकर अधिकतम 1500 रुपए। आलू न्यूनतम 800 रुपए से लेकर अधिकतम 1000 रुपए। और प्याज न्यूनतम 4600 रुपए से लेकर अधिकतम 5000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के अंतर्गत आपने देखा मंडी भाव, जाना मौसम का हाल और कृषि की नई तकनीक और उपकरणों की भी जानकारियां ली। तो जानकारियों का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले समय हो चला है अल्प विराम का। तब तक आप देखिए ये संदेश। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और PVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। विराम के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे व्यवसाय के बारे में बताऊंगी जो कम लागत में आपको ज़्यादा फायदा दे सकता है। वो है सुकर पालन का व्यवसाय। आप उसे कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और इसके लिए हम चलेंगे कृषि विज्ञान केंद्र हजारीबाग, जहां पर हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर DK राय हमें इस बारे में जानकारी देंगे, जिनसे बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी संजय कुमार सिंह। किसान अपने आमदनी में बढ़ोतरी के लिए खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं और विभिन्न पशुओं जिनमें मुर्गी, मछली, गाय, बकरी और सूकर पालन प्रमुख रूप से आता है। सही तरीके और नस्लों का चुनाव कर हम कम समय में पशुओं का पालन कर ज़्यादा लाभ कमाते हैं।
शुकर पालन आज के समय में ज्यादा लाभकारी व्यवसाय उभर कर सामने आ रहा है। झारखंड के परिवेश में शुकरों में देशी से ज्यादा संकर नस्ल के पालन का चलन अधिक है, क्योंकि ये कम समय में ही जल्दी वृद्धि तथा इनका वजन भी ज्यादा होता है। TND नस्ल के शुकर का पालन सबसे ज्यादा लाभकारी है, क्योंकि एक साल में इसका वजन 80 से लेकर 100 केजी तक हो जाता है, जबकि देशी नस्ल के शुकर का 40 से 45 केजी ही वजन रहता है। देसी शुकर 2 साल में 7 से 8 महीने के अंतराल पर 7 से 8 बच्चे देते हैं, जबकि TND नस्ल के शुकर 6 महीने के अंतराल पर 12 से 13 बच्चे देते हैं। तो व्यवसाय के रूप में TND नस्ल के शुकर का पालन करना ज़्यादा लाभकारी होता है। शुकर पालन जो है आज झारखंड में व्यवसाय का रूप पकड़ लिया है, क्योंकि बहुत सारे बेरोजगार युवक वगैरह जो है हमारे यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करके और अपना फार्म चला के स्टार्ट करके और उससे जो है ना अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। करीब 1200 जो है इस तरह का फार्म हम लोग खुलवा चुके हैं किसान को प्रशिक्षण के बाद, और वो जो है अपना भरण पोषण बाल बच्चा का भी करते हैं, अपना मकान वगैरह भी बना रहे हैं। इस तरह के भी किसान हमारे पास हैं जो शुकर पालन करके 20 लाख का 25 लाख का एसेट तैयार कर चुके हैं, अपना बाल बच्चा का भी पढ़ाए हुए हैं, नया मकान वगैरह भी बनाए हुए हैं। तो व्यावसायिक रूप से करने पर जो है काफ़ी आपको लाभ मिलेगा। जो बेरोजगार युवक है वो जो है ना आप शुकर पालन करके यहाँ पर व्यवसाय कर सकते हैं हजारीबाग या झारखंड में, चूँकि यहाँ के वातावरण जो है ना काफ़ी उपयुक्त है उसके लिए, और जंगल वगैरह में भी जो है ना कुछ कंद मूल वगैरह मिलता है जिससे शुकर अपना खा के जो है कुछ खाने पुण्य का जो खर्च है वो कम कर लेता है। तो इस जो है आप हम कहेंगे कि जो भी बेरोजगार युवक वगैरह हैं और जिनकी कोई व्यवसाय वगैरह नहीं मिल रही है तो इसमें जो है वो शुकर पालन शुरू करें। इसके मार्केटिंग वगैरह में कोई दिक्कत नहीं होती है, यहाँ पर जो है ना इतना इसका मांग है कि हम लोग उतनी आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, और अभी तो गांव देहात में इतना इसका जोड़ों पर पकड़े हुए है व्यवसाय के रूप में कि कहने लायक नहीं है। यहाँ पर जो है ये वरदान सिद्ध हुआ है। यहाँ कृषि विश्वविद्यालय जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है, यहाँ से एक वेटनरी कॉलेज के इंस्टीट्यूट से जो है TND नस्ल का एक शुकर का मैंने तैयारी की गई है, विकास किया गया है, जो काफ़ी जो है ना यहाँ पर मांग है उसका और वरदान सिद्ध हो रहा है। तो ये TND नस्ल का शुकर जो है आपको प्राप्त करने के लिए हमारे यहाँ जो भी किसान भाई हैं खुले हुए हैं वहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं, या बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से, या रांची में बहुत सारा जो है ना इस तरह के प्राइवेट किसान हैं जो अपना फार्म खोल के और अच्छा आमदनी कर रहे हैं, व्यवसाय का रूप जो है ना वो शुरू किए हुए हैं। शुकरों के ठीक ढंग से देखभाल के लिए आवास व्यवस्था भी बहुत महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिकों के सलाह पर इनकी आवास व्यवस्था रखनी चाहिए, जिसमें गार्ड रेल और क्रीप बॉक्स जैसे घर का निर्माण शुकरों के स्वास्थ्य के लिए अनुकूल रहता है। शेड का निर्माण करना होगा आपको, तो शेड के निर्माण करने के लिए ऊंचा स्थान वगैरह जहाँ पर है जो बेकार जमीन है कंकड़ पत्थर वाला, उसमें जो है ना आप शेड का निर्माण करें। एक शुकरी के लिए जो है जो 8x8 का मैंने 64 वर्ग फीट जगह जो है जो गाभिन है उसके लिए जगह चाहिए, जो बिस्कुट शुकरी है उसके लिए 48 वर्ग फीट चाहिए, और जो नर है उसको जो है 64 वर्ग फीट जगह की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से 5 यदि शुकरी आप रख के शुरुआत करते हैं तो एक व्यवसाय का रूप धारण कर लेगा आपको, और ये जो है ना आप व्यवसाय शुरू कर लेंगे। मुझे ये काफ़ी जो है ना यहाँ पर देखे हैं फार्म खुलवा के कि वो लोग कर रहे हैं, तो 5 शुकरी का जो व्यवसाय शुरू करेंगे तो उसमें करीब करीब आपको 2.5 लाख रुपया की लागत आएगी, शेड निर्माण से लेके और बच्चा जो खरीदेंगे सावक उसको लेके, चूँकि अलग अलग हजारीबाग में जो है एक सावक जिसका 2 महीना हो गया है या उससे थोड़ा दिन ज़्यादा है तो 2000 रुपया में प्राप्त होता है, और रांची वगैरह में जो है वहाँ पर लोग 200 रुपये किलो के हिसाब से जो जिंदा शारीरिक वजन है उसके हिसाब से लोग बेचते हैं। तो इस तरह से जो है वो खरीद के अपना सबसे पहले तो शेड बना ले, शेड जब भी बनाए तो उसका लंबाई जो है पूरब से पश्चिम रखते हैं और चौड़ाई जो है उत्तर से दक्षिण रखते हैं। शुकरों में जल्दी वृद्धि के लिए संतुलित मात्रा में आहार देना अति आवश्यक है। इनके आहार को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिनमें स्टार्टर राशन जब शुकरों का वजन 10 से 25 केजी होता है, ग्रोवर राशन
जब वजन 26 से 45 केजी तथा फिनिशर राशन जब वजन 45 से अधिक हो तब यह आहार दिया जाता है। दैनिक आहार में सूकरों को साग सब्जियां या घर के बचे जूठन और दाना मिश्रण देना आवश्यक होता है। सही मात्रा में दाना मिश्रण जिसमें 64% मक्का का दर्रा, 15% खल्ली, 20% चोकर तथा 10 केजी दाना मिश्रण में 200 ग्राम खनिज लवण का मिश्रण कर सूकरों को आहार के रूप में देना फायदेमंद रहता है। मक्का दर्रा, खल्ली, चोकर या मछली चूर्ण यदि उपलब्ध है तो उसको भी देते हैं। हालांकि इधर मछली चूर्ण उतना उपलब्ध नहीं रहता है, इसके जगह पर सोयाबीन वगैरह भी मिला के दाना जो बनाते हैं, जैसे बच्चा देती है सब सुकरी, तो वो जो है आप क्रीप मिक्सचर देते हैं, देने के बाद 15 दिन के बाद शुरू करते हैं, उसके बाद वृद्धि करने का राशन देते हैं, उसके बाद जब सुकरी पूरी तैयार हो जाती है तो उसको जो है फिनिशर राशन देते हैं। इस तरह से तीन तरह का दाना जो है ना बनाते हैं, इसका अलग अलग फार्मूला है तो उस हिसाब से इसको बनाते हैं दाना और खिलाते हैं। सूकरों के पालन में ठीक ढंग से देखभाल ना करने की स्थिति में बहुत सारे रोग लग जाते हैं, जिनमें स्वाइन फीवर, पिगलेट एनीमिया रोग प्रमुख हैं। इन रोगों से बचाव के लिए समय समय पर टीका तथा पशु चिकित्सक से सलाह लेना फायदेमंद रहता है। इन्हीं सब तकनीकों को अपनाकर पशुपालक सूकर पालन से बहुत सारा मुनाफा कमा सकते हैं। बच्चा को खरीद के ले आएंगे, उसको जो है टीका जो है यदि नहीं पड़ा होगा उसको, उसमें दो टीका बहुत जरूरी होता है सूकर पालन में। एक तो होता है खुरपका मुँहपक्का रोग टीका, जो सूकरों में जो है ना काफ़ी जानलेवा साबित होता है, हो जाने के बाद जो है जो शावक होते हैं मैंने 60% तक एक दो दिन में मर जाते हैं, और जो बड़ी वयस्क सूकरी होती है सर उसमें 30-40% तक मृत्यु हो जाती है। चूँकि इससे बचाव के लिए जो है आप प्रत्येक 6-6 माह के अंतराल पर टीका लगवा दें, या जहाँ से आप टीका खरीदे हुए हैं मैंने शावक खरीदे हुए हैं वहाँ पूछ ले कि यदि टीका इसका पड़ा है कि नहीं पड़ा है। यदि टीका पड़ गया है 2 माह के बाद तो फिर 6 महीना के अंतराल पर जो है ना उसको टीका देते रहें प्रत्येक 6 माह के अंतराल पर। दूसरा एक जो बीमारी होता है इसमें आपको सुकरी ज्वर रोग टीका, तो सुकरी ज्वर रोग भी जो है ना मैंने रोग जो है काफ़ी जानलेवा बीमारी होता है, छुआछूत का बीमारी होता है, और एक गांव में एक जगह उत्पन्न होने के बाद जो है पूरे गांव भर में फैल जाता है या दूसरे जगह तीसरे जगह फैलते रहता है। इस सब का मौसम जो है अभी ये होता है बरसात ख़त्म होने के बाद जब ज़्यादा ना ठंड रहती है ना ज़्यादा गर्मी, या उधर बसंत ऋतु में चैत महीना में जो है ना इस बीमारी का प्रकोप ज़्यादा होता है। ये दोनों बीमारी का खुरपका मुँहपक्का रोग का भी और स्वाइन फीवर का भी। तो टीका जो है स्वाइन फीवर का प्रत्येक वर्ष लगाना है, लेकिन खुरपका मुँहपक्का रोग का टीका जो है प्रत्येक 6-6 माह के अंतराल पर लगा देना है। तो जानकारी आपको कैसी लगी? बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो चलिए हम एक और विराम लेते हैं, तब तक आप देखिए ये दूसरा संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं, और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें, और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो मैं दूसरी जानकारी देने वाली हूं आपको, वो है समसामयिक कृषि कार्य के बारे में। आप इस महीने में कैसे खेती करें, खेत की तैयारी कैसे करें, फसलों की कैसे देखभाल करें, इस बारे में आपको जानकारी देंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर आर के सिंह, जिनसे बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी भानु घोष। किसान भाई नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र हॉली क्रॉस हजारीबाग आई है, और आज हमारे साथ हैं यहीं के वैज्ञानिक कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर आर के सिंह। आइए इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। जी धन्यवाद।
डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का हमने विषय लिया है समसामयिक कृषि कार्य, तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि समसामयिक कृषि कार्य क्या है और इसे किसान हमारे किसान भाई कैसे करेंगे। अभी देखिए हमारे खेतों में धान की फसल खड़ी हुई है ज़्यादातर, या फिर जो सब्जियाँ थी सब्जियाँ हमारी लगातार ख़त्म हो रही हैं और नई सब्जियों की तरफ किसान भाई बहन जा रहे हैं। अब मैं इस चीज़ को दो तरीके से कहना चाहूँगा, एक तो सब्जी की फसलें और फिर हमारी दूसरी रबी की फसलें। देखिए जैसे रबी की फसलों में अभी जो समय है, अभी गेहूं में कुछ समय है, अभी धान का खेत हमारा जिन किसान भाई बहनों ने थोड़ा सा अर्ली अगर धान लगाया होगा तो वो किसान भाई बहन काटने के बाद में उसमें सरसों की और गेहूं की खेती कर सकते हैं। लेकिन अभी इस समय जो हमारे किसान भाई बहन, अभी जल्दी में बारिश भी हुई है तो उस नमी का फ़ायदा उठाते हुए किसान भाई बहन रबी की फसलों में जैसे कि चने की खेती है। चने का बीज अच्छा उच्च बढ़िया बीज अपने किसी विश्वसनीय स्रोत से, चाहे तो विश्वविद्यालय से बात कर सकते हैं, चाहे तो अपने विश्वसनीय किसी मार्केट में जाके आप लोग अच्छी जो किस्म के बीज उपलब्ध हैं वो आप लोग ले सकते हैं। जैसे चना है, चना बड़ी महत्वपूर्ण फसल है, दलहनी फसल है और इसको लगाने का लगभग समय आ गया है तो इसको आप लोग लगाएं। दूसरा सरसों, सरसों में दो तीन तरह की सरसों होती है, सरसों को लगाने के लिए आप लोगों का समय है। और ये जो फसलें मैं आपको बता रहा हूँ इनको नमी भी बहुत कम चाहिए, सिंचाई की भी एक दो सिंचाई से इनका काम चल जाता है और अगर बीच में हल्की बारिश अगर हो जाती है तो सिंचाई उनको चाहिए भी नहीं। इसके अलावा जैसे कि कुछ किसान भाई बहन हमारे मूँग की खेती करते हैं, हालाँकि यहाँ पर बरसात में मूँग की खेती होती है लेकिन वो लोग अभी कर सकते हैं। तीसरी फसल, चौथी फसल हम लोग बताएँ आपको वो है मटर। मटर किसान भाई बहन दो तरह से करते हैं, एक तो सब्जी की मटर है जिसको गार्डन पी बोलते हैं और दूसरा हमारी जो है वो रबी की मुख्य फसल के रूप में होती है, वो फसल है हमारी फील्ड पी, तो मटर को लगा सकते हैं। तो ये जो है दलहन और तिलहन इसका बड़ा मुख्य एक समय है जिसको आप लोग लगा सकते हैं और इन फसलों को आप लोगों को लगाने का बिल्कुल सही समय ये है। आप लोग इनके लिए फसलों को लगाने के लिए आप लोग बीज का बंदोबस्त कर लें और जो है खेतों की तैयारी करके उसको लगाने का काम करें। तो हमारे किसान भाई को बताएं समसामयिक को किस प्रकार करेंगे ताकि उनको अधिक से अधिक मुनाफा मिल पाए। आपका सरसों है जो कि आपकी तलन तेल वाली फसल है, चना है दाल वाली फसल है, मूंग है दाल वाली फसल है, मटर है दाल में भी आता है सब्जी में भी आता है। तो इसके अलावा लिनसीड है जिसको अलसी बोलते हैं हम लोग, ये भी एक फसल है। तो इनको लगाने का सीधा तरीका है आप लोग खेतों की जुताई करें और उसमें उचित खाद का प्रयोग करें और अगर ऊपर आप लगा रहे हैं जैसे कि दो नंबर खेत में और एक तीन नंबर खेत में तो उसमें चूने का प्रयोग करें, खासतौर से दालों के साथ में चूने का प्रयोग करेंगे तो आप लोगों को जो है अच्छी पैदावार मिलेगी। और दूसरा ये है कि जितने भी आपके बीज आप लगाते हैं तो उसको आप लोग किसी फंजीसाइड से वेबस्टीन से इसको उपचारित करके बोएं। दूसरा मैं एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूँगा कि इस समय सब्जी लगाने वाले किसान भाई बहनों के लिए ये बिल्कुल सही समय है सब्जियों के बिचड़ा, सब्जियों की नर्सरी आप लोग अपनी नर्सरी में तैयार करें, जैसे कि फूल गोभी और बंधा गोभी है या फिर टमाटर है, मिर्ची है, इस तरह की जितनी भी फसलें जो कि आने वाले समय में आगे जिनका दो महीने बाद में जिनका समय आ जाएगा उनको लगाएं। साथ ही बहुत सारे किसान भाई बहन इस चीज़ को भी अपना एक गणना कर लें, कैलकुलेशन कर लें कि जैसे कि छठ का त्यौहार आता है उस समय बहुत तरह की वेजिटेबल्स की आवश्यकता होती है तो उन फसलों को वो लोग अभी से तैयार करें। तो छठ का मैंने नाम इसलिए लिया है क्योंकि छठ के समय में ज़्यादातर सब्जियों के रेट ऊँचे हो जाते हैं तो उनसे उनको एक आर्थिक लाभ मिलेगा। और इनके बिचड़ा लगाएं, बिचड़ा लगाने के तरीके हैं जैसा कि मैंने बताया कि सीड को वो लोग उपचारित कर लें, उपचारित करने के बाद में उसको नर्सरी में लगाएं। नर्सरी हमेशा ऐसी जगह पर लगाएं जहां पे पानी का भराव ना होता हो और अगर जहां पानी का भराव अगर होता है तो वैसी जगहों में थोड़ा सा उसको ज़मीन से ऊँचा कर लें, एक मीटर चौड़ाई का लंबाई अपने सुविधा अनुसार बना के उसको जो बिचड़ा है उसको आप लोग उसके ऊपर लगाएं और उसके बाद में ऐसी जगह पर सब्जियों को लगाएं जहाँ पर पानी का भराव ना होता हो और पानी निकासी की व्यवस्था हमेशा ठीक ठाक रहती हो, जैसे कि अचानक अगर बारिश होती है तो पानी का निकास हो जाए। क्योंकि सब्जियों में मैं हमेशा आपको बताना चाहूँगा कि पानी का भराव नहीं होना चाहिए,
जैसे और भी मैंने फसलें बताई, जैसे कि आपको चना बताया, बिल्कुल भी पानी भराव एकदम सहन नहीं करेगा, और मटर है इनको भी नहीं चाहिए, सरसों को भी पानी नहीं चाहिए। तो इस तरह की समसामयिक चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जिनको किसान भाई बहन अगर अपनाएंगे और जिनका ध्यान रखेंगे तो वो निश्चित रूप से इसमें अपना अच्छा लाभ कमाएंगे। साथ ही इसमें उचित मात्रा में जो है उर्वरकों का प्रयोग करें। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि जैविक उर्वरक बायो फर्टिलाइज़र, जैसे कि बायो फर्टिलाइज़र में ये है कि राइजोबियम कल्चर है उससे उपचारित कर लें। साथ ही हमारा जो है स्फुर घोलक जिसको बोलते हैं PSB, जो हमारे पढ़े लिखे किसान भाई बहन हैं, फास्फेट सोल्यूबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये हमारा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में उपलब्ध है, रांची जाने वाले किसान भाई बहन वहाँ से इसको ले सकते हैं। उससे कम से कम हम अपने उर्वरक की जो है बचत कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे रासायनिक उर्वरक हैं वो महंगे पड़ते हैं, और हम लोग जैविक उर्वरक बायो फर्टिलाइजर जिनको हम लोग बोलते हैं अगर उनका वो लोग प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से उनको फायदा होगा। साथ ही सब्जी लगाने वाले किसान भाई बहनों को मैं बताना चाहूँगा कि उसमें कीड़े मकोड़ों की समस्या बहुत ज़्यादा आती है, तो उसमें वो लोग ट्रैप का इस्तेमाल करें, वेजिटेबल ट्रैप्स मार्केट में मौजूद हैं। किसान भाई बहनों को अतिरिक्त और अगर कोई जानकारी लेनी होती है तो हमसे आके, जैसा कि हमारे भानु जी ने बताया, मेरा नाम डॉक्टर RK सिंह है, मैं यहाँ का कृषि विज्ञान केंद्र का अध्यक्ष वैज्ञानिक हूँ, हेड साइंटिस्ट हूँ, यहाँ पे आके हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम उनको बताएंगे कि वेजिटेबल्स में, सब्जियों में बहुत तरह के हमारे फेरोमैन ट्रैप्स हैं, या फिर स्टिकी ट्रैप्स हैं, या फिर और बहुत तरह के ट्रैप्स होते हैं, जिसमें ट्रैप्स का एक नई तकनीकी है जिसमें कि आपको फंजीसाइड का, वीडीसाइड का या इंसेक्टिसाइड का किसी का स्प्रे नहीं करना होता है। तो एक तो आप सब्जियों में जहरीली दवाओं से बच जाएंगे, और उन ट्रैप्स को इस्तेमाल करके वो ट्रैप आप लोग अपने खेत में लटका देंगे और वो कीड़ा उसमें आके अट्रैक्ट होता रहेगा और मर जाएगा। तो इस तरह की ये तकनीकी है जिसमें छोटे छोटे समसामयिक क्रियाएं हैं जिनको आप लोग करके और आप लोग अच्छी उपज ले सकते हैं, अच्छी पैदावार ले सकते हैं, अच्छा लाभ कमा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में और इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आशा करती हूँ कि आज की जानकारी से आप अवश्य ही लाभ उठाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप अपने प्रश्न हमें खतों के द्वारा पूछ सकते हैं, उसके लिए आप हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची, और हमारी पिन संख्या है 834001। इसी के साथ आप मुझे गीता अपनी गीता को इजाज़त दीजिए। जोहार।